लखनऊ में लगातार दबंगों का बोलबाला, आलमबाग क्षेत्र में नहीं रहा दबंगों में पुलिस का कोई भी कॉल। आज से दो दिन पूर्व भी दबंग द्वारा नाबालिग किशोर को मारा पीटा गया था। घायल नाबालिग को किया गया था ट्रामा सेंटर में भर्ती। आलमबाग के गढ़ी कनौरा में गाड़ी टच होने को लेकर जमकर हुई मारपीट, उसके बाद कार में हुई तोड़फोड़, कार का शीशा तोड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस टीम। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अभी क्या हुआ मामला पूरा गढ़ी कनौरा आलमबाग थाना अंतर्गत? ये मामला ये हुआ भाई कि मैं जो है अपने भाई के साथ और मेरे साथ ये दो मेरे भाई और थे, आ रहे थे। मेरा भाई गाड़ी चला रहा था जिसमें जो अभी आलमबाग थाने में हुआ, गाड़ी जो उनकी गाड़ी गलत खड़ी हुई थी तो वो किसी तरह बचा के निकाल लेते मेरे। कौन? मेरे भाई। अच्छा, जिनसे लड़ाई। किस गाड़ी से थे? हम लोग i20 से थे। फोर व्हीलर। अच्छा, हम लोग जब उन्होंने बचा के निकाला, लेकिन जो है i20 गाड़ी पीछे से हल्की चौड़ी है तो वो हल्की दिखा ली उनकी गाड़ी छुई थी, जबकि नुकसान मेरी गाड़ी में हुआ था, स्क्रैच पड़ा मेरी गाड़ी में। मैं आज ही गाड़ी लेके आया। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? वाली जो दुकान पे लड़के ने शीशा तोड़ा तो उसने मारपीट करी, और बाकी जो दुकान वाले जो लखपुर दुकान वाले हैं उन्होंने मारपीट करी। उन्होंने बल्कि लकड़ी का फंटा निकाला और लोहे के कुछ एक कार निकाले मारने के लिए। लगभग कितने लोग थे? करीब 20-25 लोग थे। क्या किसी का नाम या परिचय आप जानते हैं? कौन थे? जी जानते हैं, एक ये लखपुर चाय वाले थे, जोगिंदर के लड़के थे, और बाकी जो है और कनौजिया करके एक है जिनकी दुकान है रोड पे, और जो है मंदिर के बगल वाली गली में एक लड़का रहता है जिसने शीशा तोड़ा था। क्या नाम है उसका, कुछ पता है? नाम उसका नहीं पता, लेकिन घर में। अच्छा, दीपक नाम है। अभी पुलिस किस समय आई थी? पुलिस को आपने सूचना करी? सूचना मेरे पापा और मेरे भाई के साथ में। अच्छा, पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? जी, मौके पहुंच गई थी।